भारत विकास परिषद पश्चिम क्षेत्राच्या वतीने चिंतन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी उद्बोधन केले. मोहन भागवत हे आपल्या उद्बोधनात म्हणाले, आमच्या सेवेची प्रेरणा आमच्या अहंकाराची तृप्ती नाही, ना पुण्य मिळावे अशी आशा आहे, आणि स्वार्थाचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. आमची सेवा आपलेपणातून असते, कारण भारत देश हा आपला आहे. भारत विकास परिषद हे नाव धारण करताच आम्ही संपूर्ण भारतालाच आपलेपणाच्या वर्तुळात आणतो. लेकिन पहले भी एक बार मैं भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में दिल्ली में गया था, गजेंद्र सिंह जी थे, तो एक विषय रखा था, वही रखू ऐसा मन में था. बाद में यहाँ आने के बाद मैंने हमारे पाठक जी से पूछा कि क्या यहाँ मैं क्या बोलूँ, आपकी अपेक्षा क्या है, तो उन्होंने भी वही बताया. और यहां भी कहा गया कि इसी विषय पर मैं बोलने वाला हूं, लेकिन वो विषय वस्तु पहले आ चुकी है, तो मैं उसका थोड़ा विस्तार करूंगा. हमारा काम क्या है, आगे हमें क्या करना है, क्योंकि बाहर से दिखने में भारत विकास परिषद ऐसे अन्य काम जो चलते हैं दुनिया में, देश में, उसके जैसे ही दिखती है. तो बिल्कुल प्रारंभिक दिनों में यहाँ नागपुर में तो भारत विकास परिषद नहीं थी, लेकिन वैसा ही एक काम चलता था. आपको ये तो पता है कि भारत विकास परिषद के नाम से कहीं कहीं काम शुरू हुआ, उसी उद्देश्य को लेकर उसी प्रकार के काम अन्यत्र भी स्वयंसेवकों ने ही शुरू किए, उसके नाम अलग अलग थे, बाद में ये सब मिलकर भारत विकास परिषद बना. उसकी भूमिका में कोई अंतर नहीं है, उसके गंतव्य में कोई अंतर नहीं है. समान सोचने वाले होने के कारण एक ही समय अनेक जगह इसी प्रेरणा हुई. यहाँ नागपुर में संमित्र सभा थी, विदर्भ में संमित्र सभा थी, तो कभी कोई स्वयंसेवक पूछता था कि ये नया क्या है भाई, संमित्र सभा क्या चीज है. हम संघ की शाखा चलाते, वहां भी दोस्ती ही करते, संमित्र ही होते सब लोग. तो थोड़े में समझ में आए, इसलिए कोई कार्यकर्ता स्वयंसेवक को बताता था कि रे एक तरह से संघ वालों को रोटरी क्लब है, ऐसा बताते, क्योंकि बाहर से दिखेंगे तो समाज के संपन्न समृद्ध लोग, शिक्षित लोग इकट्ठा आके कुछ सेवा का काम करते हैं. परंतु इतना मात्र नहीं है, हम सब लोग जानते हैं. सेवा के धर्म पर व्याख्यान भी हुआ है अपने यहां. हमारे सेवा की प्रेरणा हमारे अहंकार की तृप्ति नहीं है, न ही कोई पुण्य पाने की आशा है. स्वार्थ का तो सवाल ही नहीं हमारे यहां. हमारी सेवा अपनेपन से होती है, और अपनापन इसलिए है कि भारत अपना है. हम जब कहते हैं भारत विकास परिषद, तो उस नाम को धारण करने से ही हम संपूर्ण भारत को अपने अपनत्व के दायरे में लाते हैं. सोच समझ के करते हो तो ऐसा होता है. भारत विकास परिषद का काम क्यों करना है, क्यों करना है, ये कोई सवाल है. येरवडा में गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी को जेल में से बहुत सारी छूट भी मिलती थी. एक तो उस समय के अपने देश के सबसे बड़े नेता भी थे, और सत्य वचन ही थे, तो उनसे कोई खतरा भी वैसे नहीं था, तो उनको घूम कर आने की छूट थी. तो पास वाली टेकड़ी पर वो घूमने के लिए चले जाते थे, पहाड़ी पर. तो एक बार गए और वापस आते समय उनको दिखा कि एक 9 साल की लड़की अपने 4 साल के भाई को उठा के ले आ रही है,
वो 4 साल का भाई है, अच्छा भारी भरकम था, तो कष्ट भी हो रहा था, हाथ भी रही थी। तो गांधी जी ने कहा, अरे उसको नीचे रखो, तुमको कष्ट हो रहा है, वो चल सकता है, छोटा थोड़ी है, 4 साल का है। तो उसने कहा नहीं, वो मानता नहीं है। तो मानता नहीं तो क्या हुआ, उसको रखो, तुमको बोझ नहीं होता। तो लड़की गांधी जी को कहते, भाई का बोझ होता है क्या? तो हम सेवा कर रहे हैं ऐसा वर्णन बाहर के लोग करेंगे, लेकिन हमारे मन में ऐसा आता नहीं ना। सेवा यानी वर्णन करना है, इसलिए शब्द का उपयोग करते, लेकिन मैं कुछ विशेष कर रहा हूँ ऐसा थोड़ी रहता है। घर में अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते, तो हम सेवा कर रहे इस अहंकार से थोड़ी सेवा करते, वो तो सहज होता है।